जय श्री कृष्ण दोस्तों, हनुमान जी बंदर थे या कुछ और? वाल्मीकि रामायण में बहुत से विचित्र दिखने वाले पात्रों के बारे में लिखा गया है, जो इंसानों से बिल्कुल अलग थे, जैसे जामवंत जिनका आधा शरीर भालू जैसा था, या जटायु जिनका आधा शरीर चील या बाज जैसा था, और हनुमान जी जिनका चेहरा इंसानों से बहुत अलग था। वाल्मीकि रामायण में वानर शब्द का प्रयोग इन सभी को दर्शाने के लिए किया गया है, लेकिन वानर शब्द का गलत मतलब निकाला गया है। वानर को बंदर की संज्ञा देकर हनुमान जी को भी सभी हिंदू बंदर मानने लगे। दोस्तों, इस पाप से बचें और सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम रामायण के तथ्य और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच समानता बताएंगे। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण में चार सूंडों वाले हाथी की बात की है, जो रावण की सेना में थे, और वैज्ञानिकों के मुताबिक चार सूंड वाले हाथी 16 लाख से 1 करोड़ 20 लाख साल पहले इस धरती पर थे। यानी कि राम और रावण का युद्ध कम से कम 16 लाख साल पहले तो हुआ था। रामायण में वानर शब्द का जिक्र बहुत बार आता है। रामायण में वानर सेना ने रावण से युद्ध जीतने में श्री राम की मदद की थी, लेकिन हम सभी ने वानर का गलत मतलब निकाल लिया है। वानर का सही मतलब होता है वन में विचरण करने वाला, ना कि बंदर। वानर को वनाचर भी कहते हैं। हनुमान जी भी वानर थे और जामवंत भी वानर थे। वानरों के पास असीमित शक्तियां होती थी। आप यह भी बोल सकते हैं कि वो सुपर ह्यूमन थे। पाराशर संहिता के मुताबिक हनुमान जी का जन्म तिरुमाला की पहाड़ियों में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च में ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में तकरीबन आज से 40,500 साल पहले और उससे भी पहले एक प्रजाति के लोग हुआ करते थे, जिनका नाम नियंडरथैलोइड्स था। इन लोगों की शारीरिक बनावट बिल्कुल हनुमान जैसी ही थी, आप खुद देख लीजिए। इसी प्रकार जामवंत और जटायु भी वानर थे, जो वन में विचरण करते थे और असीमित शक्तियों के स्वामी थे। इनकी शक्तियों का उल्लेख रामायण में मिलता है। अगर हम वैज्ञानिकों की थ्योरी देखें तो उसमें आधे जानवर और आधे इंसान के शरीर के लोगों का जिक्र किया गया है, जो कि अपने पैरों पर चलते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम चलते हैं। डार्विन की थ्योरी में बताए गए समयकाल और वाल्मीकि रामायण में बताए गए समयकाल में बहुत समानता भी है। डार्विन ने अपनी थ्योरी में यह बात बताई है कि नियंडरथैलोइड्स और होमो सेपियंस लाखों वर्ष पहले एक साथ इस धरती पर थे। रावण की सेना में हमारे जैसे लोग यानी कि होमो सेपियंस थे, और राम की सेना में वानर यानी कि नियंडरथैलोइड्स थे। रामायण का युद्ध नियंडरथैलोइड्स और होमो सेपियंस के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, रामायण काल में वानर जिन जंगलों में रहते थे, वो जंगल आज के समय में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। रामायण में हनुमान जी को रामबंत कहा गया है। रामबंत का अर्थ है श्री राम का अनुयायी। आज भी आंध्र प्रदेश के मोदी राजा कबीले के लोगों को बंत कहा जाता है। समय के साथ साथ आज भी वानरों को या बनाचरों को, आंध्र प्रदेश के जंगली इलाकों में रहने वाले लोगों को आज भी बंजारा ही कहा गया है। ये लोग उन्हीं वानरों की पीढ़ी के हैं, जिनकी शारीरिक बनावट समय के साथ साथ हमारी जैसी होती गई। श्री राम अपने वनवास के दौरान शबरी से तिरुपति के पास वरशंकला ऋषि मोक्ष में मिले थे। ऋषि मोक्ष पर्वत किष्किंध्या में वानर राज हुआ करता था। इस एरिया के आसपास के जंगलों में ही वानर रहा करते थे। यह जंगल आज के समय में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास फैला हुआ है। जहां तक बंदर की बात है, वो एक जानवर है। हनुमान जी से उसका कोई संबंध नहीं। रामायण और वैज्ञानिकों की बात माने तो हनुमान जी जामवंत और जटायु जैसे प्राणी थे, जिनके पास असीमित शक्तियाँ थी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप हनुमान जी को बंदर समझना बंद कर देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।